नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। ओ मुन्ना, आंखें खोल दे बेटे। भगवान, तूने मेरी मांग पहले ही उजाड़ दी, और अब अगर मेरी गोद सुनी हो गई तो मैं अपने आप को जिंदा नहीं रख सकूंगी। बाबा, आपकी दुआ से मेरा मुन्ना ठीक हो गया। सब कुछ काली कमली वाले का कमाल है बेटी। बाबा, हम गरीबों की उजड़ी हुई जिंदगी में बाहर कब आएगी? बेटी, खुदा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। जब कोई जालिम मजबूर और बेसहारा इंसानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगता है, तब खुद परवरदिगार जालिमों को सबक सिखाने के लिए रहमत के फरिश्तों को भेज देता है। चलो नीचे उतरा। हजार हथकड़ियां खोल दो इनके। हवलदार साहब, शुक्रिया। ए लड़कियों, अगर 6 महीने से पहले इस बॉम्बे शहर में घुसे कोशिश की, तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अंदर करेगा, चले। अच्छा ये तो बताओ फटीक जन, छोटे ठाकुर बहुत बहादुर तो है ना? बहादुर? बहादुर! छोटे ठाकुर की बहादुरी को मैं क्या बयान करूं? माँ माँ, देखो ना फटीक चंद आया है। फटीक चंद? कौन फटीक चंद बेटी? अरे माँ, वही तीनों किसान का बेटा जो बहुत साल पहले हमारे छोटे ठाकुर अमर सिंह के साथ शहर चला गया था। अच्छा अच्छा, याद आया। बेटी, मेरा तो मन ये कहता है छोटे ठाकुर ही हमारे गांव को इस राक्षस दिलदार सिंह के अत्याचारों से बचा सकते। छोटे ठाकुर तो मेरी तरह काफी हट्टे कट्टे होंगे। अबे हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे। क्या बोला रे? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग चाहें तो छोटे ठाकुर के दर्शन करवा दूं। ये रहे छोटे ठाकुर। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर। माँ, ये छोटे ठाकुर कौन है? बेटे, वो हमारे भगवान हैं, जो हम सब की अत्याचार करने वालों से रक्षा करेंगे। फिर तो बाघ सिंह को भी मार देंगे ना, जिसने मेरे बाबा को मारा था। हाँ मेरे लाल। गांव वालों, आज हमारे बड़े ठाकुर बाघ सिंह इस गांव में ये देखने आए हैं कि जमींदार और सरपंच के खिलाफ बगावत करने वाला कोई दूसरा तो पैदा नहीं हुआ, और अगर पैदा हुआ तो मन लाल लाल गरम गरम खून बहुत पसंद आवे। बागी को मेरे हाथों से भगवान भी नहीं बचा सकता। तो जैसे शैतान का खात्मा करने के लिए भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है कमीने, वैसे तो तेरे लिए एक ही गोली काफी है, मगर मैं तेरी मौत इतनी आसान नहीं बनाऊंगा। कह दे अपने कुत्तों से कि अपनी बंदूकें फेंक दें। छोटी ठाकुर क्या मारा? उठ बेटे,
तो नींद में ताली क्यों बजा रहा था? माँ, छोटे ठाकुर है ना, उन्होंने बाघसिंह को है ना खूब मारा और उसे खत्म कर दिया। छोटे ठाकुर, ठाकुर बाघसिंह? हाँ माँ। क्या कर रहे हो बेटे? हाँ माँ, छोटे ठाकुर बहुत बहादुर है, उनके पास एक बंदूक भी है, लेकिन वो कहाँ चले गए? मैं समझ गई, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। छोटे ठाकुर कहाँ आए हैं? सुना है कल सुबह वो गांव आ रहे हैं। फटीक चल, इतनी देर हो गई माला पकड़े पकड़े, अभी तक तुम्हारे ठाकुर साहब ही नहीं है। रूपा देवी, गाड़ी का टाइम तो हो गया, ना जाने ये ठाकुर साहब क्यों नहीं आए। अरे वो आ गया ठाकुर साहब। ठाकुर अमर सिंह की जय। 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 हाँ जी, लगता है ये फूलों का हार खरीदने में कल्लू नाई के पैसे बेकार ही गए। अरे अरे, आप लोग छोटे ठाकुर की जय जयकार क्यों नहीं करते? हम एक शराबी की जय जयकार नहीं करेंगे फटीक चंद। हमने जिसे मसीहा समझा था वो बोतल का एक रस्सिया निकला। ये शराबी हमारी डूबती हुई नैया को कभी पानी लगा सकता है। तुम सब लोग झूठ बोलते हो, छोटे ठाकुर हमारे भगवान है, वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। बेटे, इस गांव में मुझे पहचानने वाला सिर्फ एक तू ही है। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना। उन्ना बेटे, हम शराबी जरूर हैं, लेकिन तेरी मासूमियत की कसम, हम इस गांव को सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। आओ पांजे, क्या शहर की रंगीनियों से दिल भर गया जो गांव चले आए? मामा जी, तुम्हारी हवेली की हर ईंट जुल्म की उस भट्टी में तपी हुई है जिसमें गरीबों के अरमान जलकर राख हो गए हैं, और मैं उन गरीबों को सहारा देने के लिए इस गांव में आया हूँ। ओ पांजे, ओ पहले खुद को तो सहारा दे ले, फिर गांव वालों को देते रहना। ये ले, पी ले, पीने से जबान की कड़वाहट कम हो जाएगी। मामा जी, बचपन से मुझे शराब पिला पिला कर तुमने मुझे एक ऐसा शराबी बना दिया जो शराब के सिवा सब कुछ भूल गया है, और तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि तुम संजरपुर के जमींदार कहला सको। लेकिन इतना याद रखो, शेर की खाल ओढ़ लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। वाह भाई वाह। जिस तख्त पर तुम बैठे हुए हो, मैं उसे तख्ता बनाने के लिए आया हूं।
ओ बहुत बड़े बोल बोलने लगा भांजे, लेकिन ये मत भूलना हर भांजा अपने मामा के सामने पैदा होता है। और मामा जी आप भी इतना याद रखना कि दुनिया का हर मामा अपने भांजे के सामने मरता है। और क्या लिखे मेरे बेटे ने? मैं बहुत जल्द गांव आ रहा हूँ। बाबूजी आपके लिए नया चश्मा और माँ के लिए कश्मीरी शॉल खरीद रखी है। और मैं लगता है डाकू आ गए। अब क्या होगा? घबराओ मत सुशीला, ये मत भूलो कि तुम एक सूर्यवंशी ठाकुर की पत्नी हो और एक बहादुर बेटे की मां। कर्नल तू ही है ना जिसने कचहरी में मेरे खिलाफ गवाही दी थी? तुझे बहादुरी का सपना देखने का बहुत शौक है ना? अब तेरे खून की एक एक बूंद चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कर्नल कि तूने बहादुरी का ये सपना देखा क्यों? उठ, मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। सुशीला, नहीं सुशीला, 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 नहीं। इसे इसकी मुखबरी का इनाम मिल गया। मुझे लाल लाल गरम गरम खून बहुत अच्छा लगे। बाबा मेरी रगों में बहने वाले तुम्हारे पवित्र खून की कसम, मैं उस कातिल को नहीं छोड़ूंगा। मेरे माँ बाप के कातिल डाकू बागसी का अड्डा यहीं कहीं होगा। अरे रास्ता रास्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे कल्लू नाई, आधी बची है बची कुची, इसे भी बना दो जल्दी, भैया काम पे जाना है हमें। अबे बैठ लल्लू, दो ही हाथ है, कोई छह हाथ थोड़ी है। अबे राम राम कल्लू भैया। अरे राम राम फटिक चंद, आओ तुम्हारी भी हजामत बना दूं। हजामत तो मैं तुम ही से ही बनवाऊंगा।
कल्लू, एक आदमी की तुमने आधी मूछ बना रखी है और दूसरे की पूरी मूछ बना रखी है और इसको आधा साबुन लगा के छोड़ रखा है। कल्लू मेरे भाई, मेरी समझ में नहीं आई। पतिचंद धीरे बोल आधी आधी इसलिए बनाई है ताकि ग्राहक भाग ना जाए। तुम्हारा भी जंगल साफ कर दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई कल्लू, मुझे तुम्हारी दुकान पे बैठकर मक्खियां नहीं मारनी। तुम एक बात बताओ, इनकी पूरी दाढ़ी बनाने में तुम्हें कितनी देर लगेगी? यही कोई आधा घंटा। अरे मेरे लल्लू भैया, आधा नहीं पूरा घंटा लगाओ, आराम से इनकी दाढ़ी बनाओ। मैं जरूरी काम खत्म करके आकर दाढ़ी बनाता हूँ। पागल है, कल्लू को लल्लू बोलता है। अरे जाती कहाँ है रे? प्रीतम फटिकचार, तुमने क्यों जूते खाने की ठानी? क्यों? अगर कल्लू भैया दुकान से मकान आ गए तो मर जाएगी तेरी नानी। ओ मेरी धन्ना नानी, अभी तेरे कल्लू भैया को एक घंटा और ग्राहकों की है शेप बनानी। क्यों ना कर दे शुरू प्रेम कहानी, आजा मेरी रानी। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ जी। क्या बता सकते हैं डाकू बाग सिंह का ठिकाना कहाँ है? डाकू बाग सिंह, माफ करना कल्लू भैया, कल मैं फिर किसी जरूरी काम में फंस गया और आ नहीं सका, लेकिन आज आप पूछेंगे कि मुझे कितनी देर में फुर्सत मिलेगी, तो मेरा जवाब यह है कि आज आप कोई काम जरूरी नहीं करने जाएंगे और एक घंटे के लिए यहीं बैठेंगे, अभी हजामत करते हैं। कल्लू भैया, तुम्हारे धंधे की कसम, तुम बुरा मान गए, लेकिन आज मैं जरूर आऊंगा, एक घंटे के बाद आऊंगा। हैं टाटा बाय बाय। दाल में कुछ काला नजर आता है, आखिर फटिकचंद लौट के क्यों नहीं आता? अभी हजामत करते हैं, आप लोग यहीं बैठे रहो, मैं अभी आता हूं। ओ धन्नो रानी, दरवाजा खोल जरा जल्दी खोल। तुम? और इस वक्त भैया आ गए तो? अरे कैसे आएगा तेरा भैया, तेरा भैया भी एक घंटा और दुकान पे उस तरह चलाएगा और हम दोनों गुटलू 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 करेंगे प्यार की। क्या कर रहे हो? जरा जल्दी में हूँ। अरे ये मेरे घर में क्यों घुस गया? मेरी जान के टुकड़ी, मेरे अंधेरे घर की लालटेन, भगवान करे तेरा भाई घंटों दुकान में बिजी रहे और मैं और तू। कमीने भैया, 420 धोखेबाज, अभी हजामत करते हैं। पहला बार भागता